क्या हाल है दोस्तों, सैमसंग, शाओमी और आईफोन के बाद अब ओप्पो लेके आ गया है 120x जूम करने वाला स्मार्टफोन, जिसके अंदर शानदार डिस्प्ले है, दमदार एसओसी है और साथ में है एक प्रॉब्लम जो जानने के लिए देखते रहिए। तो दोस्तों ये है ओप्पो रेनो 10 प्रो प्लस, जिसकी डिजाइन इस बार ओप्पो ने काफी ज्यादा डिफरेंट और यूनिक की है और जिसमें हमको मैट कलर टेक्सचर विद ग्लॉसी डिजाइन देखने को मिलता है जो कि काफी ज्यादा कूल लगता है। और इसके अलावा यहाँ पर जो कैप्सूल शेप कैमरा डिजाइन यूज की है वो भी पहली बार किसी डिवाइस में देखी है। इनफैक्ट ओप्पो ने डिवाइस के बैक साइड में गोरिल्ला ग्लास 5 दिया है, तो वही फ्रंट साइड में दिया है ड्रैगन ट्रेल 2, जो कि 20% मोर सिक्योर है गोरिल्ला ग्लास 5 से। इनफैक्ट अगर आप मोबाइल को नीचे नहीं गिराते हैं तो 100% सिक्योर है। वैसे दोस्तों डिवाइस में ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया है जो काफी अच्छा काम करता है, पर स्लाइटली ऊपर देते तो और भी ज्यादा बेहतर होता। इसके साथ ही डिवाइस में हमको स्टीरियो स्पीकर भी देखने को मिलता है जो कि काफी क्रिस्प ऑडियो और बेहतर बेस प्रोवाइड करता है। इसके अलावा आपको आयरन ब्लास्टर मिल जाता है जिससे आप अपने दूसरे अप्लायंसेस को चला सकते हो। डिवाइस में दोस्तों आपको डुअल नैनो सिम का सपोर्ट मिलता है विद नो SD कार्ड, नो eSIM सपोर्ट। इवन ओप्पो ने कोई भी IP सर्टिफिकेशन नहीं दिया है, अगर चाहते तो स्प्लैश प्रूफ सर्टिफिकेट तो दे ही सकते थे। इसके साथ ही ओप्पो रेनो 10 प्रो प्लस में 6.74 इंच की AMOLED 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्टिंग डिस्प्ले मिलती है जो कि काफी ज्यादा ब्राइट है। इवन आप जब डिवाइस को आउटडोर देखे जाओगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि इसकी पीक ब्राइटनेस 1400 निट्स है। ये HDR 10 प्लस डिस्प्ले है जिसपे आप HDR कंटेंट को एंजॉय कर सकते हो, पर सिर्फ YouTube पे, Netflix को ये सपोर्ट नहीं करती है। और इसका 120Hz ऐप ड्रॉअर में या गेम में ही काम करता है, बाकी जगह ये 90Hz पे आ जाती है। इसके अलावा एक बात और, डिस्प्ले देखने को बहुत शानदार है, कर्व डिस्प्ले वैसे भी बहुत अच्छी लगती है, पर इसका टेम्पर्ड ग्लास ढूंढना उतना ही ज़्यादा मुश्किल है। और लगाने के बाद भी फिंगरप्रिंट सेंसर काम करेगा या नहीं उसका कह नहीं सकते। ये तो हुई डिस्प्ले की बात। परफॉर्मेंस वाइज नो डाउट ये इस बजट सेगमेंट में अनबीटेबल है। दोस्तों इस डिवाइस में स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 दिया हुआ है जो एक कमाल का एसओसी है और ओप्पो ने उस पे अलग से भी काम किया है। इसके थर्मल्स काफी ज्यादा अच्छे हैं, इवन टेस्टिंग में इसके CPU थ्रॉटलिंग डिटेक्ट ही नहीं हुई जो बहुत कम डिवाइस के साथ होता है। इसका एंटूटू बेंचमार्क स्कोर 13 लाख है, तो वही मल्टी कोर स्कोर 4174 है। इनफैक्ट ये डिमांडिंग से डिमांडिंग गेम बड़े आराम से चला देता है और कोई फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिलता है। और अब बात करें कैमरा की, जिसके लिए आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं, तो ये कुछ इमेज सैंपल्स हैं जो मैंने इसी डिवाइस से बाहर जाके ली हैं और जो काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है। कैमरा सेटअप की बात करें तो रेनो 10 प्रो प्लस में मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का IMX890 है, अल्ट्रा वाइड 8 मेगापिक्सल का, टेलीफोटो 64 मेगापिक्सल का है। इनफैक्ट ये पहला ऐसा स्मार्टफोन है जिसमें हाफ इंच 64 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर दिया है जो बहुत ही ज्यादा बढ़िया बैकग्राउंड ब्लर ऐड करता है। और इतना ही नहीं, मेन इमेज सेंसर और टेलीफोटो सेंसर दोनों में OIS दिया हुआ है। ये तो ही टेक्निकल बातें, आप प्रैक्टिकली ये इमेज सैंपल्स देखिए, काफी ज्यादा अच्छे फोटोज ये डिवाइस लेता है जिसमें HDR स्ट्रॉन्ग और बैलेंस फील होता है। और अगर आप 120x जूम करके भी फोटोज लेते हो तो वो भी काफी हद तक यूजेबल निकलते हैं। इवन लो लाइट होने के बाद भी मोबाइल बहुत जल्दी फोटो कैप्चर करता है और इसके साथ ही डिटेल्स को भी काफी अच्छे से शो करता है। और नॉइज इसमें हमको बहुत कम देखने को मिलती है। पर अब बात करें उस एक प्रॉब्लम की, दोस्तों इस डिवाइस में हमको कलर OS देखने को मिलता है जो एंड्रॉइड 13 पे बेस्ड है और समय के साथ कलर OS भी काफी बेहतर होता जा रहा है। एनिमेशन भी हमको काफी स्मूथ फील होते हैं, पर नहीं बदला है इसका ऐड शो करने का तरीका। आप जब भी नोटिफिकेशन देखोगे तो बेफालतू की ऐप्स के नोटिफिकेशन आ जाएंगे और हर कोई सी ऐप सजेशन में आ जाएगी जो आपके पूरे एक्सपीरियंस को खराब कर देगी। इवन जब आप ब्राउजर ओपन करोगे तब भी ये ऐड शो होंगे जो काफी ज्यादा इरिटेट करते हैं। ओप्पो को ये बात समझनी चाहिए, जब कोई इतना अमाउंट लगा के आपका प्रीमियम स्मार्टफोन ले रहा है तो वो उसके साथ ऐसा नहीं करें। बाकी ओवरऑल डिवाइस काफी ज्यादा बेहतरीन है। बैटरी इसमें 4700 mAh की है जो 100W चार्जिंग को सपोर्ट करती है और एक दिन आराम से चल जाती है।
दोस्तों मेरे को ये डिवाइस अच्छा लगा, मेरे तरफ से इस डिवाइस को 10 out of 7 stars। दैट्स ऑल गाइस, वीडियो को लाइक शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।